तो कहते हैं ये एटमी पाकिस्तान है, एटमी ताकत है, ठीक है। तो मेरे 33 यूनिट का बिल 2500 रुपए का आया, तो मैं किसको कहूंगा? एटमी पाकिस्तान हर शख्स है परेशान, बन गया नया पाकिस्तान, लूट के खा के पाकिस्तान। कौन? पिछले सारे, नए वाले या पिछले? सारे, ऑल इन वन, ऑल इन वन, ऑल इन वन, पिछले नए बराबर, सब बराबर, कोई फर्क नहीं रहा। उम्मीद है अल्लाह पे, भरोसा है इंशाल्लाह जो आगे आएगा बेहतरी अल्लाह पाक। आगे कौन आ रहा है? अल्लाह पे भरोसा है, देखें जो आ जाए। आप किसको वोट देंगे? नून लीग को देंगे। नून लीग एस्टैब्लिशमेंट की तरफ आइए आप, हमें ये पता है कि एस्टैब्लिशमेंट को ने फैसला कर लिया कि खान साहब ने जाना है, क्योंकि खान साहब के रहने के साथ एस्टैब्लिशमेंट की बड़ी सुबकी हुई है, सुबकी हुई है। तो दोस्तों, अगर आप मेन वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा स्किप करके सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंचें। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना टाइम आपको वीडियो आगे बढ़ाना और सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में पाकिस्तान की पब्लिक रिएक्शन दे रही है इमरान खान को लेकर। इमरान खान को लेकर पाकिस्तान के मीडिया में प्रेडिक्शन की जा रही है कि ये साल इमरान खान का आखिरी होगा, इसके बाद उनकी छुट्टी हो जाएगी और शायद पॉलिटिकली वो कभी वापस ना पाए, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी एज भी लगभग 70 के करीब हो चुके हैं। तो अब इस साल के बाद फिर वो, अगर नेक्स्ट टर्म 5 साल बाद फिर वो पॉलिटिक्स में वापस ना पाए, तो ऐसा नजम सेठी जैसे बड़े जर्नलिस्ट कह चुके हैं। मैंने वीडियो भी अपलोड किया था, अगर आपने वो देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर देखिए। तो यहाँ पर पाकिस्तान की पब्लिक इमरान खान को लेकर रिएक्शन दे रही है, और मैंने ये पूरा वीडियो देखा, ये लगभग 30 से 40 मिनट का वीडियो था। उस वीडियो में मैंने देखा कि एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने इमरान खान को सपोर्ट किया हो, क्योंकि ऑब्वियसली इस तरीके के मतलब पब्लिक रिएक्शन रहते हैं, कुछ बंदे सपोर्ट करते हैं, कुछ अगेंस्ट में रहते हैं, लेकिन इस वीडियो में एक भी बंदा नहीं मिला जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा हो। अब पाकिस्तान में मुझे लगता है कोई भी पॉलिटिशियन आएगा उसकी हालत यही होगी, चाहे वो अगले आने वाले समय में नवाज शरीफ फिर से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वही होगी हालत, क्योंकि पाकिस्तान की मेन, आपको भी पता है, जो पावर है वो आर्मी है, और आर्मी जिस तरीके से बजट खर्चा करती है मतलब अपने जो हथियार वगैरह पर, वो पाकिस्तान के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। आपको क्या लगता है, प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरीके के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के। राहत खान, मिनी बजट देखा? मिनी बजट देखा, बस यही है कि आवाम पिसने की हद तक आ गई, फिर दोबारा उसमें भी इन्होंने वही मार्जिन, कहते हैं महंगाई नहीं होगी, आम आदमी पर बोझ नहीं डाला, 200 अरब का बोझ नहीं डाला, हर चीज़ पे 70% उन्होंने टैक्स डाल दिया है, अभी भी बोझ नहीं डाला। ये तो जब आवाम ये इम्प्लीमेंट होगा तो उसके बाद ये इतना ज़्यादा इन पे वो हर चीज़ पे बजट लग जाएगा, दालें जो है 150 होगी वो 150 पे चली जाएगी, 150 की चीज़ है वो 200 पे चली जाएगी, तो इसका मतलब बजट में कोई वो नहीं है। वो कहते हैं बाहर की आई हुई चीज़ ना खाओ, यहाँ की खाओ, यहाँ की चीज़ों पर क्या टैक्स नहीं लगा रहा? यहाँ पर भी टैक्स लग रहा है, यहाँ की हम खा रहे दालें यहीं की हैं, और चीज़ यहाँ गोश्त यहीं का ही है, आज वही गोश्त 400 रुपये किलो है, पहले 200-250 रुपये किलो था। गोश्त तो गरीब आदमी नहीं खाता? नहीं, वो दाल भी नहीं खा सकता, गोश्त तो बहुत दूर की बात है, सब्ज़ी भी नहीं अवेलेबल है, सब्ज़ी 150 रुपये से नीचे नहीं है। वो जो शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने कहा ना वो खुद नहीं है, वो खुद उसमें बैठे हुए हैं, और जब आम आदमी में आएंगे ना तो उनको पता चलेगा फ़र्क क्या पड़ता है, क्यों नहीं फ़र्क पड़ता। यहाँ पे गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। हम तो कहते हैं ये एटमी पाकिस्तान है, एटमी ताकत है, ठीक है। तो मेरे 33 यूनिट का बिल 2500 रुपए का आया, तो मैं किसको कहूंगा? एटमी पाकिस्तान हर शख्स है परेशान, बन गया नया पाकिस्तान, लूट के खा के पाकिस्तान। कौन? पिछले सारे, नए वाले या पिछले? सारे, ऑल इन वन, ऑल इन वन, ऑल इन वन, पिछले नए बराबर, सब बराबर, कोई फर्क नहीं रहा। उम्मीद है अल्लाह पे, भरोसा है इंशाल्लाह जो आगे आएगा बेहतरी अल्लाह पाक। आगे कौन आ रहा है? अल्लाह पे भरोसा है, देखें जो आ जाए। आप किसको वोट देंगे? नून लीग को देंगे। नून लीग को देंगे। मिनी बजट पास? पास, 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 करने दे जो होता है। अच्छा, हाँ, मकसद है कि इमरान खान कहते हैं ना कुछ सहारा लो, वक्त गुजर रहा है। अब जिनको हाथों से दफना के आए हैं, ठीक है ना, वो भी उम्मीद पे थे ना, हम भी उम्मीद पे, हम भी चले जाएंगे, आने वाली नस्ल इसी तरह नहीं है। उम्मीद है कि अल्लाह पाक को बेहतरी के लिए मामला फरमा देते, गुजारा हो जाता, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जिसने पैदा किया, फिर भी हो जाएगा। हाँ, लोग आते हैं कहते हैं कि हमारा बजट नहीं, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, जिनके पप्पीज छोटे छोटे कुत्ते रोज 1200 रुपया खा जाते हैं, उनको क्या फिक्र है कि दूसरे आवाम का। मिनी बजट पास है? पास तो नहीं है, मुसल्लत है, ये वोट दे देना उसके हक में। पास नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मजबूरन एक्सेप्ट करना पड़ रहा है इसे।
महंगाई तो होगी नहीं, वो कहते हैं आम आदमी पर फर्क नहीं पड़ रहा। आम आदमी पर क्यों फर्क नहीं पड़ रहा जनाब? कौन सी चीज महंगी होगी? हमारे लिए महंगी नहीं, जिसने हमसे खरीदा नहीं उसके लिए तो महंगी है ना। आना तो गरीब आदमी ने हमारे पास, अमीर आदमी ने तो नहीं आना यहाँ पे सड़कों पे धक्के खाने। वो तो ऑनलाइन खरीद लेते हैं घर बैठ के ही, शॉपर बैग भर भर के उनके पार्सल आ रहे हैं। कोई गरीब आदमी सड़कों में बाजारों में धक्के खाता सस्ती की तलाश के लिए कि मुझे सस्ती चीज मिल जाए, वो बाजारों में धक्के खाता है। अमीर आदमी नहीं जाता बाजार, वो घर बैठ के मंगवाता है ऑनलाइन सब कुछ। कोई गाहक कम हुआ है? गाहक कम जनाब है ही नहीं। कस्टमर दो दो घंटे फ्री बैठने के बाद कोई एक आधा कस्टमर आ जाए तो उसको जब रेट बताते हैं वो कहता है यार आज से छह महीने पहले इतनी की चीज थी, आप डबल रेट पे बेच रहे हैं, कोई नहीं खरीदारी। तो सेल्स टैक्स लेंगे आप लोगों से? लेंगे, जरूर लेंगे, ये तो नहीं छोड़ेंगे किसी आगे में। सरकार को देंगे? सरकार को देते या नहीं देते ये उनकी मर्जी है, हमसे तो निचोड़ेंगे वो। मिनी बजट आवाम पर तो कोई बोझ नहीं आ? सर आवाम पे क्यों नहीं बोझ है, बोझ तो अच्छा खासा आवाम के ऊपर बोझ आ गया। और इन्होंने इंतहाई, वो कहते हैं ना कि इनको वोट देके इंतहाई पछता रहे हैं। आपने वोट दिया था इमरान खान को? दिया था, और इनको दोनों ही वोट दिए थे। पहले तो कह रहे थे कि एक देते लेकिन दोनों ही दिए, और इंतहाई पछता रहे हैं कि किस गलत इंसान को वोट दे दिया। इमरान खान को वोट तो देना है अब, फिलहाल अभी वोट देने का कुछ वो नहीं है कि हम इसको वोट देंगे, वोट देने का कोई अंदा वो नहीं है। अभी वो छोड़े, इसने जो बच्चों के दूध को बढ़ा दिए हैं, बच्चों की उसकी इसको पता है कि बच्चों के क्या होना है। दूध वो जो 1100 का लेता वो 1500 का लेगा जाके, और उसकी दवाइयों का उसने कहां से बना दिया 17% उसके ऊपर टैक्स लगा दिया पकड़ के, इंसान कहां पहुंचे? कहते हैं कौम सेहतमंद रहे, दवाइयों की क्या जरूरत है? तो ठीक है हमारी आमदनी भी बढ़ा दें, हमें क्या मसला है? जीनी मत महंगाई करनी है करें, हमारी आमदनियां भी बढ़ा दें। आप क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रोमेडिकल इंजीनियर हूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता हूं। कितनी जॉब करते हैं? जॉब जितनी भी हो सारी जॉब, अगर आप, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि मैं 30,000 रुपये अगर ले रहा हूँ तो मेरी 50 कर दें, मेरे महंगाई करते रहे जितनी कर रही है, मौजे करें अयाशी करें, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। लोग जो कर रहे हैं ना वो सिर्फ अपनी एक शराफत का मुजाहरा कर रहे हैं, जो सफेद पोशा नहीं निकल रही है ये इसीलिए कि ये सिर्फ इसी चीज का फायदा उठा रहा है कि लोग निकल नहीं रहे। अपोजिशन भी तो कुछ नहीं कर रही है। अपोजिशन जो इसने एक 3 साल हो गई एक रोला डाला हुआ है पकड़ के जी वो चोर वो चोर, 1 रुपया तो कवर नहीं कर सका अभी तक इन लोगों से, ये चोरों से। मिनी बजट में होगा ना रिकवर? कितना रिकवर हो जाएगा? सारा होगा हमारे से होगा ना। और जिनसे जो जिनको चोर कहता उनसे रिकवर करे ना, हमसे क्यों कह रहा है? आईएमएफ की कहानी समझ आई है आपको? आईएमएफ की हमें तो इतनी कोई नहीं समझ आती है, इसने तो बस लोगों को एक बत्ती के पीछे लगा दिया पकड़ के जो बस कर रहे हैं और करते रहे बस, आवाम को लूट रहे हैं लूट रहे हैं। वो तो चोर थे, वो चोर अलग, उन चोरों से भी नहीं रिकवर किया, वो अपनी जगह पे जो भी कर रहे थे सारा। इसने अब एक चीज मेरे उसमें दौर में एक ट्रेन की टिकट थी 1400 रुपए की, 2022 रुपए की पीपल्स पार्टी के दौर में गई, वो 1400 रुपए कराची की टिकट वापस आई इकॉनमी की, इसने दोबारा फिर 2200-2300 रुपए में बचा दी है पकड़ के। फिर अगर वो पेट्रोल अगर पीछे से सस्ता होता है तो ये डॉलर बढ़ा देते हैं पकड़ के, वो इकॉनमी का बेड़ा कर देते हैं पकड़ के। ये कहते हैं ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रही किसी चीज को कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना, इनको कुछ समझ नहीं आ रही है। असद उमर साहब कह रहे हैं बहुत ठीक चल रहा है, असद उमर का घर ठीक चल रहा होगा ना? असद उमर का घर ठीक चल रहा होगा, बल्कि वो तो कह रहा था कि मेरे हलके में अगर मैं नहीं आऊंगा तो मेरा ये आरक्षण कर देना। उनको तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उनको तो पैसे मिल रहे हैं, वो तो कमाई कर रहे हैं, उनके अपने कारोबार चल रहे हैं। आम दूसरे छोटे लोगों से पूछे जाके उनका क्या असर है, जो 20-30 हज़ार 40 हज़ार कमा रहा है उसका गुजर बसर किस तरह हो रहा है? जो डेली का जो अगर वो अगर 100 रुपीज़ का पेट्रोल डलवाता है वो 150 रुपये का पेट्रोल डलवाने लग गया जाके, वो जो एक चीज़ उसकी कवर होती थी वो हफ्ते की वो चली गई 2 के ऊपर जाके, जो 2 हफ्ते चलाता था वो 1 हफ्ते के ऊपर आ गया। ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਸੀ, ਹੁਣ 14-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਘਿਓ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ 450-450 ਰੁਪਏ ਤੇ ਘਿਓ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਤਾਂ ਸਸਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਖਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਆ, ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂਠੇ ਪਕਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਿਓ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਰੱਖ ਦੀ ਤੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਮ ਆ ਜਾਇਓ, ਜੇ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਲ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਘਿਓ ਸੰਭਾਲ ਲਈਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਚੋਰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਿਨੀ ਬਜਟ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਮਿਨੀ ਬਜਟ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਾ ਰੁਪਈਏ ਵਾਲੀ ਉਹ 15 ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐਨੀ ਸਮਝ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਐਨੀ ਸਮਝ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਜੀ? ਪਏਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਨੇ ਸਬਰ ਕਰੋ ਸਬਰ ਕਰੋ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਈਕਲ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।